आईसीआईएल पे क्या राय बनती है सर? ये तो कंटिन्यूअस फॉलिंग में ही दिख रहा है स्टॉक जी, अगर मेरे ऊपरी लेवल पे ऊंचे खरीदारी रही होगी तो मेरे लिए क्या राय बनती है, और बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल्स पे अगर रही हो, मतलब ऑलमोस्ट डबल के आसपास, मान लीजिए 200 220 के आसपास की खरीदारी है हाई, तो मेरे लिए क्या राय है? तो स्टॉक तो कहीं पे भी सपोर्ट देख तो नहीं दिख रहा है, बट अभी ओवरसोल्ड जोन में भी है सब के सब। तो ये जरूर कह पाऊंगा कि बस मैं कि अगर आपको 140 के आसपास भी कोई मौका मिले इसमें तो एग्जिट करने की कोशिश करें। 140 to 150 की रेंज अगर कहीं पे भी आपको देखने को मिलती है तो एग्जिट करने की कोशिश करें। ठीक है, तो एग्जिस्ट करें, डाउन साइड है, डाउन ट्रेंड है और गिरावट और आगे कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन क्योंकि ओवरसोल्ड है तो किसी भी दिन किसी भी समय आपको एक मौका मिल सकता है, एक छोटा सा बाउंस बैक मिल सकता है, और वहां पे निकलने में ये होगा कि आपका थोड़ा सा कम नुकसान नुकसान थोड़ा कम हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं, यही कह रहे हैं बाबा जी? ठीक बिल्कुल है, तो थोड़ा लॉस, अब कम लॉस के साथ में बाहर आएंगे, तो लॉस फिर भी रहने वाला है फिलहाल, क्योंकि जितने ऊंचे लेवल्स की अगर हम बात करें तो बहुत कम चांसेस हैं कि वहां तक वापस पहुंचेगा या आपको मुनाफा मिल सकता है, लेकिन कितने कम नुकसान के साथ में बाहर निकला है वो ज्यादा बेहतर होगा, तो उस हिसाब से आपको बता दिया एक बाउंस बैक। हाँ जी, एक्चुअली क्या मिड कैप स्टॉक्स में अगर जब अब दोबारा जो नेक्स्ट लेग ऑफ रैली आएगी ना, तो कुछ क्वालिटी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टेड रहेंगे ना पब्लिक तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगली रैली के अंदर बहुत से ऐसे शेयर होंगे लोगों को लगेगा कि रैली भी आ रही है लेकिन उनके शेयर नहीं चल रहे होंगे। ठीक है, उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बना करके चले, ये समस्या ये परेशानी आ सकती है बहुत सारे स्टॉक्स में।